सुभानअल्लाही व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ अपनी वीडियो की इब्तिदा। आप सबका प्यार और सपोर्ट की देखना चाहूंगी मैं इंतहा। आज पाकिस्तान 14वां रोजा अख्तियार करने जा रहा है, मतलब के आज 14वीं सहरी है। जी हाँ दोस्तों, और आज मेरी बारी नहीं है, आज किसकी बारी है कमेंट में मुझे बताएं। आज मेरे घर पराठा बनाने की किसकी बारी है, मेरी या किसी और की, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं और मुझे सपोर्ट कीजिए। जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया अभी तक, जल्दी से लाइक कीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, बिना स्किप किए देखिए, और वीडियोस को लाइक भी कीजिए और वीडियोस को शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए आज जो है चले मैं सरप्राइज तोड़ ही देती हूँ, आप लोग क्या कमेंट में बताएंगे, मुझे तो पता है कमेंट तो करेंगे नहीं आप। तो आज जो है वो मेरी सिस्टर ने बनाया और बहुत जल्दी बना लिया आज उन्होंने सैलरी, या शायद आज गैस बस इतनी गई है। ये देखिए ज़्यादा नहीं गई आज गैस, थोड़ी सी गई है। और पराठे भी उन्होंने बना लिए और रोटी भी उन्होंने बना ली, चाय मैंने बनाने के लिए रख दी है। अब हम सैरी करेंगे, पहले एक एक करके सबको आवाज़ लगाएंगे कि आ जाओ पराठे बन गए, आ जाओ पराठे बन गए, दस्तखान लग गया। एक एक करके नखरे कर करके ये लोग आएंगे और फिर हम दस्तखान पे सैरी करेंगे। सैरी करने के बाद हम लोग भागेंगे ब्रश के लिए, क्योंकि गाइस आपको मैंने बताया था कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो जाहिर है हमारे बाथरूम तो अलग अलग तो होने से रहे, ठीक है ना। वॉश बेसन भी एक ही हमारे घर में, तो लंबी लाइन लग जाएगी। वो कहेगा पहले मैं करूँगा, तो इसलिए सबसे पहले मैं भागती हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे कहते हैं तुम जाओ, तुम बहुत देर लगाती हो ब्रश करने में। तो गाइस मिलते हैं सहरी के दस्तखान पर। जी दोस्तों, तो मैं सहरी कर रही हूँ, ये देखिए मेरी सहरी। आज ये खाने में चाय, पराठे और आलू की तरकारी। आलू की तरकारी मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं खाती, मैं तो वैसे ही रोने वाले खाती हूँ। तो मैं अब करूँगी जल्दी जल्दी से सहरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज 14वीं सहरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मलाई वाली चाय। मिलते हैं सहरी खाने के बाद। जी गाइस, तो मैंने सहरी कर ली, अब ये लोग करने सर जोड़कर तीनों इनकी सहरी जा रही है, इनकी सहरी जा रही है। ये तीनों देखिए सहरी कर रहे हैं, अब्बा टीवी देख रहे हैं और मैंने सहरी कर ली है, क्योंकि मुझे बस पीनी थी थोड़ी सी चाय और दो निवाले पराठे के। अम्मी तल रही हैं अब ये अंडा, पता नहीं किसकी फरमाइश आई है, हालांकि कीमा बना है और आलू की भुजिया भी है, मगर किसी ने अंडा तलने का बोल दिया। अंडा खाया जाएगा अब वहाँ पे, और मैं आ गई हूँ आज इस साइड पे आने के। आए पराठा और सालन, और ये लोग तो भैनी भी खाते हैं। हम चलेंगे ऊपर ब्रश करने के लिए, ब्रश करेंगे हम, क्योंकि जब तक ये लोग सहरी कर रहे हैं इन्हें हर काम की बहुत जल्दी होती है। तीनों को जितनी जल्दी माशाल्लाह से ये लोग खाते हैं, इतनी जल्दी ये लोग चाहते हैं कि खाते के साथ ये लोग अपने सारे काम कर लें। ये लोग ये नहीं सोचते, ये नहीं देखते कि हम भी इंसान हैं। लाइट जला रहे हैं, बहुत अंधेरा हो रहा है। और लोग गाइस, तो मैं आज थोड़ी सी फैनी भी खा रही हूँ। मैं ब्रश करने जा रही थी मगर अम्मी ने मुझे रोक लिया कि नहीं चलो ये फैनी भी खा लो, क्योंकि पैनी में कभी कभी खा लेती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। जी अम्मी बोले, क्या बोल रही हैं आप? अल्लाह, गैस फिर चली गई शायद, अम्मी ये बोल रही हैं, लेकिन पता नहीं क्या गैस आ रही है, हल्की सी अम्मी गर्म करेंगी, ज़्यादा बना के रख लेती हैं अम्मी। सिर्फ अब्बा खाते हैं हमारे घर में पैनी, सहरी कह रही हूँ पैनी, कोई कोई खजला खाता है हमारे घर में, पैनी खा जाती है। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं किसके घर खजला खाया जाता है, किसके घर फैनी खाई जाती है, किसके घर दोनों मिक्स करके खाए जाते हैं। फैनी हमारे घर में सिर्फ अब अब्बू ही खाते हैं, पहले हम सब खाते थे। हम लोग अब मीठे में कुछ और खाते हैं, किसी दिन शीर खुरमा बन जाता है, किसी दिन कस्टर्ड बन जाता है। हाँ, मीठा मुझे कुछ भी बनाने नहीं आता, मीठा मेरी सिस्टर को VIP बनाना आता है, मुझे सिर्फ नमकीन आइटम आते बनाना, वो भी VVIP नहीं, बस नॉर्मल। चले गाइस सहरी खा लेते हैं थोड़ी सी, फैनी खा लेते हैं थोड़ी सी। अब तो बहुत गर्म हो गई, ये रही मेरी फैनी। क्या पढ़ते रही? सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। गर्म हो रही है, जब फील हो रहा सर पर बोझ ज्यादा है, कांधे बर्डन पे चुके हुए हैं, प्रेशर है,
खोल रही है गाइस। तो टीवी में बता रहे हैं कि अगर आपके गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी हो तो अल्लाह ताला वो गुनाह मुआफ़ कर देगा। कौन सी तस्बीह से? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अल अज़ीम 100 बार सुबह या शाम या रात या दिन में 24 घंटे में किसी भी वक्त 100 बार ये तस्बीह हम पढ़ लेंगे तो समंदर के झाग के बराबर भी हमारे गुनाह होंगे तो वो माफ़ हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला तौफीक दे मैं भी पढ़ूँ, आप भी पढ़ें। आप मुझे दुआओं में याद रखें, मैं आपको दुआओं में रखूँ याद, मैं आपको दुआओं में याद रखूँ। फैनी जब तक ठंडी हो रही है, फैनी बहुत ज़्यादा गर्म है, जल्दी से ठंडी हो जाए तो मैं जल्दी से खाऊँ तो फिर जल्दी से ब्रश करने जाऊँ। ऐसा करते हैं, बहुत देर हो जाएगी, बड़ा लंबा ब्लॉग हो जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इफ्तारी पर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वेलकम बैक टू शहरी वाला ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ जी दोस्तों। तो आज है चौथा रोज़ा और आज बना रही है मेरी सिस्टर इफ्तारी, समोसे वगैरह। ये देखिए टान तड़ा, ये सारी तैयारी कर रही हैं। और आज जो है वो मैंने ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया, क्यों? क्योंकि आज लाइट अभी आई है और 6:30 हो रहे हैं, लाइट अभी आई है। ठीक है गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये आ गए अब्दुल बारी के बाबा। अब अब्दुल बारी कौन है? आप लोग मुझसे कॉमेंट में पूछें कि अब्दुल बारी कौन है, मैं बताऊँगी कि अब्दुल बारी कौन है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और वीडियोज़ को फुल वॉच कीजिए, प्रेस दी बेल आइकॉन, टन 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 टन। अब मिलते हैं इफ्तार के दस्तखान पे दुआ के साथ। जी दोस्तों, तो लग गए हैं दस्तखान, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम नेमतें मौजूद हैं, तमाम चीज़ें ये है मीठे दही बड़े, और आज हमने छोलों की चटनी बनाई थी, ये नमकीन दही बड़े शरबत है ये, और आज हमने बनाई थी चने की दाल की चाट। दुआ का टाइम आ गया, अल्लाह पाक से दुआ के आपकी और हमारी मगफिरत करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इस दुआ के साथ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।